झुंझुनू के गुड़ा रोड पर एक लकड़ियों के कारखाने में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि कारखाने में आग की लपटें उठती हुई देख क्षेत्र के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। मालिक संदीप ने यह बताया कि उसका करीब 1.25 करोड़ रुपए का सामान जलकर यहां राख हो गया। वहीं इसी जगह पर दो दुकानों का 7-8 साल का हिसाब पड़ा हुआ था जो भी आग की भेंट चढ़ गया। हम तो क्या रात को आग लगी थी, हमें तो पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले सूचना दी 3:15 बजे और उन्होंने हमें फोन किया, फिर हम यहाँ पे आए। हमारी दो फर्म है साला से टिम्बर और बालाजी टिम्बर ट्रेडर्स, उससे कम 1.25 करोड़ के बीच में आसपास नुकसान हो गया हमारा। हमारा इसमें चीड़ी की लकड़ी थी, सागवान था, मरिंडी था, प्लाईवुड था, काफी साथ में डॉक्यूमेंट्स भी थे फिल्म के 7-8 साल के, वो भी साथ में जल के नष्ट हो गए। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है सर, शॉर्ट सर्किट या इसी से लग सकती।